यस बेटा, आज हम आपको चैप्टर 9 के क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बताने वाले हैं। चैप्टर 9 जो हमने पढ़ा सदाचार को लेकर के, सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार, और उसी चैप्टर में कौन कौन से हमने ये जाना कि सदाचार के कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक सदाचारी बच्चा या सदाचारी व्यक्ति कौन होता है, दुराचारी कौन होता है, हमें किस तरह के आचरण करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं चैप्टर में। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके, सदाचार किसे कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर लिखेंगे। मैं केवल यहाँ सीधे से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लगा करके सीधा आंसर लिखूंगा। सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। सेकेंड क्वेश्चन है, विपत्ति में क्या करना चाहिए, विपत्ति में हमें धैर्य और संयम रखना चाहिए। नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सद्गुण से क्या तात्पर्य है। तो सदाचार और सद्गुण सेम सा अर्थ है। सद्गुण का मतलब होता है अच्छे गुण, सदाचार का मतलब अच्छा व्यवहार। तो हम इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, सीधे से आंसर, किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों को ही सद्गुण कहते हैं। नेक्स्ट है अपने फिल इन द ब्लैंक्स वाले, रिक्त स्थान भरो। उसमें मैं केवल आपको वो बताने वाला हूँ जो भरने हैं ना। सबसे पहला है मनुष्य एक, उसके बाद स्पेस है। तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो इसमें लिखेंगे सामाजिक प्राणी, पहले वाले ब्लैंक में आएगा सामाजिक प्राणी। सेकंड है सदाचारी बनने के लिए क्या होना आवश्यक है, तो सदाचारी बनने के लिए हमें ईमानदार होना आवश्यक है। हमने खालिस्तान से कर लिया ना, उसके बाद सही उत्तर का क्रमांकन पोस्टक में लिखिए। ये तो आप एक बार वीडियो देख करके समझ जाएंगे। उत्तम व्यक्ति के गुण हैं तो गुरुजनों का आदर करना, इसके अलावा मधुर बोलना, विनम्र रहना। उत्तम का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, तो अच्छे व्यक्ति में सारे गुण होंगे। तो इसका सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो टिक करना है आपको, उपयुक्त सभी वाला।
नेक्स्ट है सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। तो कैसी तपस्या है? अखंड तपस्या। हमने चैप्टर में पढ़ा था अखंड का मतलब होता है ऐसी तपस्या जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, बीच में आप रोक नहीं सकते। अगर आपको सत्य बोलना है तो हमेशा आपको सत्य बोलना पड़ेगा, तभी आप सत्य बोलने वाले माने जाएंगे। ये है क्रमांक से पुस्तक वाले, तो इसमें आपको ठीक करना है। ए में तो करना है उपयुक्त सभी, बी में आपको करना है अखंड वाले पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? तो इसका आंसर लिखिए आप, अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? सदाचारी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, दूसरों की सेवा करता है, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, सभी के साथ प्रेम से रहता है। नोट डाउन करें। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक बार रिपीट करता हूं मैं आंसर आपको। ये एक तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, थर्टी वन ये अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। किसी व्यक्ति के सदाचारी होने का पता कैसे चलता है? तो अच्छा व्यवहार करेगा तो सदाचारी लगेगा। फोर्थ है सदाचारी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, दूसरों की सेवा करता है, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करता है तथा सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहता है। ये साथ वाला जो है मैंने ये निशान लगा के लगाया, तो आप लिखेंगे ये बीच में, अगर नहीं लिखा है तो ये बीच में लिखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे सदाचारी व्यक्ति में असीम धैर्य और सहन शक्ति होती है। ये सहन शक्ति नीचे लिखते हैं असीम धैर्य और सहन शक्ति होती है। परोपकारी स्वभाव होने के कारण
सभी लोग उसके दोस्त होते हैं, दोस्त या मित्र। तथा सदाचारी व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं कि वह सबके साथ मिलकर विपत्तियों का अच्छे से मुकाबला कर लेता है। विपत्तियों का मुकाबला कर लेता है। उनसे विचलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे। आप सभी को इसके आंसर का थोड़ा सा अंदाजा होगा, मैं बता देता हूँ। सदाचारी व्यक्ति अपने अच्छे गुणों के कारण हर काम को सरलता से कर लेता है। सदाचारी व्यक्ति अपने अच्छे गुणों के कारण हर काम को सरलता से कर लेता है। उसके द्वारा व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग मंजिल को प्राप्त करने में करता है। तथा अपने गुणों की बदौलत अंत में सफल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं? 7 है सॉरी, ये एक बार वापस से आपके सामने रिवाइंड करूंगा, चिंता मत करो, एक बार ही लिख लें। महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं? प्रत्येक व्यक्ति
महापुरुषों के अच्छे गुणों से सीखना चाहता है। ताकि वह भी उनकी तरह जीवन में सफल हो जाए। मरने के बाद भी अपने गुणों के कारण अमर हो जाए। इसलिए महापुरुष हमारे आदर्श हो। देखिए बेटा ये तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, उसके बाद ये फिल्म लाइक्स वाला है। अगर आपको वहाँ थोड़ा सा वीडियो तेज चलता हुआ लगे तो उनको पॉज करके देख सकते हैं। ये फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से।